अगर तुम एक अच्छे लड़के हो तो लड़की तुम्हें कभी प्यार नहीं करेगी, तुम हमेशा प्यार में हारोगे और लड़की तुम्हारा दिल कुचलकर ऐसे लड़के के साथ चली जाएगी जो घमंडी है, बदतमीज है, जो लड़की से लड़ता है, जो लड़की को रुलाता है। दूसरी तरफ तुम हमेशा लड़की का कहना मानते हो, उसकी फीलिंग समझते हो, जब वो उदास होती है तो उसे हंसाते हो, उसे सहारा देते हो, उसे हमेशा प्यार ही प्यार देते हो। लेकिन जब तुम लड़की को प्रपोज करोगे तो वो तुम्हें मना कर देगी और कहेगी तुम बड़े स्वीट हो, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। दिल तोड़कर कहती है तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती, खुद पट जाने का लालच देकर पीछे हट जाएगी, कहेगी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे। तुम समझ नहीं पाते लड़की ऐसा क्यों कर रही है। बहुत सारे लड़के तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत तो नशा करने लगते हैं, कहीं सोचते हैं लड़की जानबूझकर परेशान कर रही है तो वो लड़की का किडनैप करते हैं या उनका चेहरा खराब कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई, लड़कियां सदियों से ऐसा ही करती आ रही है। सिर्फ लड़की से प्यार ही प्यार करने से वो नहीं बढ़ जाती, तुम्हें और भी बहुत कुछ करना होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। सबसे पहले तो तुम टीवी मूवी में जो दिखाते हैं तुम उसकी कॉपी करते हो। टीवी सीरियल में दिखाते हैं लड़के को बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहिए, लड़की की केयर करना चाहिए, उसकी फीलिंग समझना चाहिए, उसका बर्थडे याद रखना चाहिए रोज़ सुबह गुड मॉर्निंग का और रात को गुड नाइट का मैसेज भेजना चाहिए। टीवी सीरियल में तुम्हें गुमराह करने के लिए गलत चीज़ें दिखाई जाती हैं, जिसमें एक लड़का होता है जिसे दिन भर लड़की डांटती रहती है और लड़का किसी खरगोश की तरह शक्ल बनाकर देखता रहता है, और जब लड़की का गुस्सा शांत हो जाता है तो लड़के के पास आकर कहती है तुम बड़े स्वीट हो। टीवी सीरियल जैसी हरकतें असल जिंदगी में करोगे तो लड़की को कोई और उड़ा ले जाएगा। टीवी सीरियल सिर्फ देखने और सुनने में अच्छे लगते हैं, असल जिंदगी में उनका कोई मतलब नहीं होता। तुम इंतजार करते हो जैसे फिल्म के एंड में लड़की को प्यार का एहसास होता है और वो भागकर हीरो के सीने से लग जाती है। टीवी सीरियल में तुम्हें सिर्फ इंतजार करना सिखाता है, जबकि असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लड़की के लिए गिफ्ट खरीदते हो, तुम उसे 12 बजे हैप्पी बर्थडे विश कर देते हो, उसे सरप्राइज पार्टी देने के प्लान्स बनाते हो, वो पूछती है अपने बारे में बताओ तो तुम अपना सारा राज खोल देते हो, अपने बारे में सब कुछ बोल देते हो। वो कहती है बाइक धीरे चलाओ तो तुम बाइक धीरे चलाना चालू कर देते हो। वो कहती है बाल कटा कर आओ तो तुम बाल कटा कर आ जाते हो। भाई, ये लड़कियों का तरीका होता है, वो तुम्हें बहुत सारे कहने मनवा कर देखती है कि तुम्हारी कोई पर्सनल सोच भी है, तुम्हारा कोई पर्सनल डिसीजन भी है, या सिर्फ तुम ऑर्डर मानने वाले गुलाम हो। जल्दी उन्हें पता चल जाता है कि तुम्हारी कोई अपनी सोच नहीं है, और ऐसे में लड़की तुम्हें कोई बेतुका सा बहाना बनाकर तुम्हें छोड़कर चली जाती है। कहती है मेरे पापा को पता चल गया है, और कभी कहेगी कि मुझे पढ़ाई करनी है। देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें लड़की की बात नहीं माननी है या उसकी इज्जत नहीं करनी है या उसे प्यार नहीं करनी है। लड़की तुम्हारी दीवानी तब होगी जब तुम लड़की को खुशियों के साथ साथ थोड़ा रुलाया भी करो, उसे थोड़ा रुलाओ, थोड़ा चिढ़ाओ। कभी तो लड़की की सारी बात मानो और कभी उसकी बात तब तक मत मानो जब तक वो तंग ना हो जाए। कभी उससे ऐसी लड़ाई करो कि उसे लगे कि अब ब्रेकअप हो जाएगा, तुम्हें खो देगा। कभी उससे ऐसा प्यार करो कि दुनिया में किसी ने किसी से ना किया हो। जब तुम लड़की को रुलाओ तो उसे पूरा रुलाओ, जब लड़की के इशारों पे नाचना हो तो पूरा नाचो। तुम उसका बर्थडे भूल जाओ और सरप्राइज दो, उसे डांट लेने दो, उसे गुस्सा होने दो कि तुम उसका बर्थडे भूल गए, फिर उसे बड़े प्यार से मनाओ। ऑपोजिट बनो यार, डेट याद रखना लड़कियों का काम है। तुम्हें ज्यादा स्वीटनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टफ बनना होगा। लड़की तुम्हारे टफनेस में स्वीटनेस निकाल कर कहेगी कि तुम बड़े स्वीट हो। तुम्हें अपने सारे रंग दिखाने होंगे, तुम्हें उसे सारे फीलिंग देने होंगे, कभी आज़ादी, कभी पागलपन, कभी चुप्पी, कभी चीखे, कभी दर्द, कभी राहत, कभी हंसना, कभी रोना, कभी डर, कभी सरप्राइज। अब बताओ, लड़कियों को टीवी सीरियल्स इतना क्यों पसंद होते हैं? क्योंकि उसमें दर्द है, दुख है, बदनसीबी है, पल में ये हो गया, कभी वो। अगर तुम भी टीवी सीरियल जैसे हो जो पल में बदल जाता है, जो सरप्राइज बनाकर रखता है, तो लड़की तुमसे अगले दिन मिलने के लिए दीवानी हो जाएगी। लड़की को रुलाने से मत डरो और ना ही उसे डांटने से, पर तुम तो इतने डरे हुए होते हो कि जैसे वो तुम्हारी मम्मी हो, उसकी सारी बात मानते हो, उसके सामने रोते हो, हर काम उसे पूछकर करते हो। भाई, लड़की जब तुम्हारे साथ घूम रही है तो उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो किसी बच्चे के साथ घूम रही है। लड़की के होठों को चूमने से पहले उसकी इज्जाजत मत मांगो। अगर लड़की तुम्हें छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाती है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लड़कियां सदियों से ऐसा ही करती आ रही है। लड़की को सहारा देकर ये उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारा साथ देगी। लड़की को दर्द पसंद होता है, हाँ वो उस दर्द के राहत के लिए कुछ पल तुम्हारे साथ बिताती है, पर उसे राहत मिलते ही वो नए दर्द की खोज पे निकल जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको इन सारी चीजों की जरूरत है, अगर आप नए रिश्तों को बनाना चाहते हैं या रिश्तों के बादशाह बनना चाहते हैं, तो एक पल भी टाइम वेस्ट किए बिना मुझे ढूंढ निकालो, यह बहुत कुछ बदलता है।